आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आज लोकतंत्र खतरे में। अगर सरकार सवाल उठाने वाले को 8 सालों के लिए संसद से निकाल सकती है, अगर कह सकती है कि तुम्हें चुनाव लड़ने की ही इजाजत नहीं है, तो बहुत गड़बड़ है, बहुत गलत हो रहा है, और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये इस देश के लिए ठीक नहीं है। जब आप पत्रकार बने, शुरू शुरू में जब आप काम के लिए आए, तो आपके दिल में भी ये होगी बात कि देश के लिए मैं सच्चाई बोलूँगा, मैं सच्चाई बोलूँगी। आज आप बोल नहीं पा रहे हैं, हिम्मत करिए, खड़े हो जाइए आप भी। और जैसे खड़गे जी ने कहा कि तमाम पार्टियों ने आज अपनी आवाज़ उठाई है, उनका हम सब धन्यवाद देते हैं। और हमें, हम सबको एक होना पड़ेगा, इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि आज ये देश खतरे में है। आज इस देश की सारी संपत्ति एक आदमी को सौंपी जा रही है, और उस आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी हो जाती है। बहुत गलत हो रहा है अगर आज, मेरे भाइयों और बहनों, आप इसको पहचान नहीं पाएंगे, तो इस देश को बहुत खतरे में डाल देंगे। इसीलिए यहाँ खड़े हुए महात्मा गांधी जी की समाधि के कुछ ही गज दूर खड़े हुए मैं आपको याद दिलाती हूँ कि कितनों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है, कितनों ने इस देश की धरती, इस देश की आज़ादी के लिए अपना खून बहाया है। ये अफसर हैं, यहाँ तैनात खड़े हैं, इसी तरह से इनके भाई सरहद पे खड़े होते हैं हमारे लिए, आज भी अपना खून बहा रहे हैं। क्या इसके लिए, क्या अडानी जी के लिए, कि अपने देश के किसान के लिए, अपने देश के गरीब के लिए, अपने देश के छोटे व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम सब अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ, मेरे देशवासियों, आंखें खोल लो, समय आ गया है, डरो मत। राहुल गांधी के शब्दों में, डरो मत, इनका सामना करने का समय आ गया है। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं, रोमाना सरकार। एबीपी न्यूज पर लगातार बड़ी कवरेज जारी है राजघाट से, जहां राजघाट के ठीक सामने देखिए ये कांग्रेस पार्टी का जो मंच सजा हुआ है, जहां कांग्रेस पार्टी के झंडे लहराते हुए नजर आ रहे हैं, तिरंगे लहराते हुए नजर आ रहे हैं, और जो मंच सजा हुआ है वही मंच से अब से कुछ देर पहले हुंकार भर रही थी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी जो पूरी तरीके से आक्रामक मोदी सरकार पर अपने भाई के बचाव में, प्रियंका गांधी जब मीडिया के सामने आई आज इस मंच के जरिए, तो प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया कि उनके शहीद पिता का बार बार अपमान किया गया, आखिर एक व्यक्ति का कितना अपमान करेंगे। राहुल गांधी को निशाना सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी सच बोलते हैं, राहुल गांधी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, और इसी वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है। तिरंगे को लेकर प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया कि जब मैं यहां लहराते तिरंगे देखती हूं तो मुझे याद आता है किस तरीके से मेरे परिवार के लोग शहादत देने के बाद इन्हीं तिरंगों में लिपट कर गए, अपने शरीर की खून की एक एक बूंद से मेरे परिवार ने इस देश में लोकतंत्र को सींचा है, और आज हमारा अपमान हो रहा है। सुनिए जरा किस तरीके से प्रियंका गांधी ने हल्ला बोला मोदी सरकार के खिलाफ। शहीद पिता का अपमान हरी संसद में किया जाता है, ठीक है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री, आप
के प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता, पूरे परिवार का अपमान करते हैं, कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है, लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। बेहद आक्रामक अंदाज में प्रियंका गांधी नजर आई हैं, जो सत्ता पक्ष की तरफ से चुन चुन कर आरोप राहुल गांधी पर लगाए गए, उन तमाम आरोपों का जवाब प्रियंका गांधी की तरफ से दिया गया। राहुल गांधी को देशद्रोही, मीर जाफर जो बीजेपी की तरफ से कहा जाता रहा, उन आरोपों पर आपने सुना प्रियंका गांधी किस तरीके से अपने भाई के लिए ढाल बनकर सामने खड़ी हुई। इतने पर ही नहीं रुकी वो, उन्होंने यहाँ तक कहा कि साहब पहले मेरे भाई को पप्पू कहा जाता था, लेकिन जब ये बात समझ में आ गई कि ये तो जनता के बीच जा रहा है, मतलब भारत जोड़ो यात्रा का एक तरीके से जिक्र जो प्रियंका गांधी की तरफ से किया गया कि ये तो जनता के बीच जा रहा है, जनता से संवाद कर रहा है, जनता से जुड़ रहा है और जनता इस पर भरोसा कर रही है, विश्वास कर रही है, तो एक शख्स से सत्ता पक्ष इतना डर जाता है कि उसके खिलाफ इस तरीके के हमले। सुनिए जरा क्या कहा प्रियंका ने। आप सोचिए, राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थान है वहां से पढ़ के आए हैं, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है, कैम्ब्रिज से उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री, एमफिल डिग्री उनको मिली, आप उसको पप्पू बनाते हैं। पूरे देश भर में आपकी सहायता के साथ मेरे मीडिया के दोस्तों, डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखा नहीं, उनको पप्पू बना दिया। फिर पता चला कि ये पप्पू तो यात्रा में निकल आया और पता चला कि ये तो पप्पू है ही नहीं, इसके साथ तो लाखों लोग चल रहे हैं, ये ईमानदार भी है, ये सब बातों को समझता भी है, ये जनता के बीच जा रहा है, जनता की समस्याओं को सुन रहा है, तो जनता इसके चली जा रही है। घबरा गए कि राहुल गांधी ने संसद में वो सवाल उठाए जिनका उसके उनके पास जवाब नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।